गणेश चतुर्थी के उपलक्ष में आज मैं वीगन मावा से मोदक बना रही हूँ। इस रेसिपी के लिए मैंने केवल आधा कप काजू का दूध लिया है, जिसमें एक कप कोकोनट मिल्क पाउडर मिला लेंगे। दूध में लम्स ना बने, इसलिए हल्की आंच पर इन दोनों चीज़ों को करछी या स्पैचुला की मदद से हिलाते रहेंगे। जब दोनों चीज़ें अच्छे से मिल जाएं, तब इसमें केसर मिला लेंगे। केसर को मैंने पहले से ही 2 चम्मच गुनगुने दूध में भिगोकर रख लिया था। अब इसमें 1/4 चम्मच इलायची पाउडर का मिला देंगे। केसर ना हो तो थोड़ी हल्दी भी डाल सकते हैं। हल्की आंच पर तब तक पकाएंगे जब तक दूध गाढ़ा नहीं हो जाता। अब इसमें 1/2 कप चीनी मिला लेंगे। आप चीनी को अपने स्वाद के अनुसार कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। हल्की आंच पर ही लगातार हिलाते हुए चीनी को पका लेंगे। जब मिक्सचर पैन को छोड़ना शुरू कर दे, तब समझ लीजिए कि आपका मिक्सचर तैयार है। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक मलाईदार मिक्सचर बन गया है। अब मिक्सचर को हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। जब मिक्सचर थोड़ा ठंडा हो जाए पर वार्म ही हो, तब हम उसके पेड़े बना लेंगे और उंगलियों की मदद से एक कोनिकल शेप देंगे। अगर मिक्सचर हाथ से चिपक रहा हो तो हाथ पर थोड़ा पानी या वीगन घी या फिर नारियल तेल लगा लें। अगर आप चाहें तो मोदक को सजाने के लिए केसर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मोदक हो गए तैयार। कितना आसान था ना वीगन मोदक बनाना। फटाफट तैयार हो गए और बिना मोल्ड के। आप इन्हें जरूर बनाना, बहुत अच्छे बनते हैं। अगर आपको ये वीगन मोदक बनाने की रेसिपी पसंद आई हो तो इस गणेश चतुर्थी आप इस रेसिपी को अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा।